अभी बज रहे हैं 6:30। बस अभी मैंने सारे कपड़े वगैरह वो सब ठीक किए, प्रेस करने थे वो कपड़े वो सब किए। अभी 6:30 बजे तो क्या कुछ खाने का मन कर रहा है, क्योंकि आज हम लोगों ने जल्दी खा लिया था। 12:30 बजे 1 बजे के बीच में तो हम लोगों ने खा लिया, वरना 2:30 पौने 3 बजे हम खाते हैं तो भूख नहीं लगती। तो अभी भूख लगी है, तो कभी भी बाहर से खेल कर आए तो उसे भी कुछ खिला दूँ। तो इसलिए पहले उसके लिए कुछ खाना वगैरह बनाते हैं, फिर हमारा इवनिंग का व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। आज रात के लिए मैं बना रही हूँ, अभी भूख लगा है इसलिए पोहे पोहे भूख लगी है इस भूख लगी है इसलिए तो इसमें आलू बॉइल्ड करने के लिए रख दिया है। एंड इसे मैंने भिगो के धो के निकाल दिया ताकि छुट्टे एकदम ड्राई हो जाए। तो मैं बैठ गई हूँ सारी सब्जी निकाल कर, तो मुझे आज ये वाला सब्जी बनाना है, चोरी का सब्जी, इसे चोरी बोलते हैं ना। तो ये एकदम मतलब कि इसमें दाने वाला जब चोरी है, देखो लीजिए इस तरह से। और बैगन डालूंगी उसमें और आलू, और ये बैठ गई यहाँ पर, उसे पता है कुछ कुछ ना कुछ तो मम्मी देगी मुझे। हाँ चेरी, गुड इवनिंग चेरी। चेरी हमारे फ्रेंड्स को बोल दो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चेरी। So, everyone, देख लीजिए पोहे बना रही थी। पोहे मतलब कि इस बार पोहे पतले आ गए थे, थोड़े से पतले, यानी कि बहुत ज्यादा पतले हो गए थे। तो देख लीजिए इस तरह से बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बट अच्छे बने हैं, टेस्टी बनाए हैं। तो ये रहे। और ये बॉइल्ड आलू है जिसे मैं ऐड कर देती हूँ, और इसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर नहीं डालना है मुझे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर विसल लगाना है, क्योंकि बॉइल्ड आलू है और बैगन को भी ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा, और ये वाले जो चोरी के दाने हैं विसल भी, तो थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ फिर एक विसल लगा लेती हूँ। सो गाइस, मेरी और कबीर की लड़ाई हो गई है, तो वो रो रहा है और उसे भी मैंने डांटा है, तो वो भी अंदर नहीं आ रही। देखो उसे भी आने के लिए मैंने मना किया है, मत अंदर आ, वो भी वहाँ पर बैठ गई है। सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 10:30, हर रोज की तरह कल भी 10:30 बजे जैसा आए थे, और आज भी, और आज हम लोग खाएंगे पिज्ज़ा। खाना बना लिया था, थोड़ा सा सब्जी पड़ा है, बट पिज्जा मंगवाया है हम लोगों ने, तो चलिए पिज्जा खाते हैं। पिज्जा आ जाए फिर आप लोगों को दिखा दी। ये आ गया हमारा पिज्जा, ये रहा कबीर का फ्रेंच फ्राई और पिज्जा, और कुत्तों का काम हो गया फिर से स्टार्ट। वाह। और ये है संडे मॉर्निंग का क्लिप, यानी कि 8:30-9 का बीच का टाइम हो रहा है, और मैं भी आज थोड़ा सा लेट उठी थी, 7:30-8 बज गया था। चेरी ने मुझे उठाया, उसको जाना था बाहर, इसलिए फिर मैं उठ गई। मैंने सोचा वापस थोड़ी देर सो जाती थी, लेकिन वो बाहर इतना शोर कर रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा मैं उठ जाती हूँ। और फिर उसके लिए मैंने रोटी बनाया, रोटी का चूरा बनाकर फिर दही डालकर उसे खाना खिला दिया, एंड वापस में अपना जो भी काम था, चाय वगैरह वो सब मैंने किया। तो मैंने सोचा शायद दिवाली के टाइम पर मैंने धोए थे ये सारे कपड़े, यानी कि चेयर कवर, डाइनिंग टेबल कवर, तो मशीन ठीक हो गया, तो अभी डाल देती हूँ और ड्राई करके फिर थोड़ा सा धूप लगाने के बाद दोपहर को चढ़वा दूँगी वापस, तो इसलिए मैंने निकाल दिया है। और मशीन ठीक हो गया ना तो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हो जाता है, बिकॉज मशीन में काम हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हो गया है, कपड़ों का काम तो एटलीस्ट निकल गया है, फिर हम कुछ और काम कर सकते हैं। सो देख लीजिए, अभी मैं अपना जो यहाँ पर जो मैंने मनी प्लांट्स लगाया था, तो ड्राई लीव्स ज़्यादा हो गया है, सो उसे भी रिमूव कर रही हूँ, और उसमें थोड़े से सोच रही हूँ अगर एक्स्ट्रा मनी प्लांट डालना होगा तो मैं उसमें वो भी डाल दूँगी। अभी तक कबीर और जय सो रहे हैं, तो मेरा ऐसे बीच का काम निकल जाता है।
वरना क्या होता है कि मेरा सुबह इतना काम कुछ नहीं होता, और कभी जग जाता रहे तब तो कभी नहीं होता, तो थोड़ा सा बीच में देखो इस तरह से काम निकल जाएगा। ये नहीं है, छुट्टी नहीं है संडे है, लेकिन उसे जाना है, मतलब कि उसको काम है थोड़ा सा, तो वो इवनिंग तक वहाँ पर है, तो कबीर का थोड़ा सा लेना है, तो वो झाका रहता है उसने। नहीं काम, नहीं काम, पापा झूठ बोल रहे हैं। तो कबीर को बहुत सारी चीजें लेना, एक तो उसको स्कूल का स्वेटर लेना है, स्कूल में सारे जो बच्चे पहनते ना उसी कलर का, तो वो भी लेकर आए। 10:30 बज गए अभी, तो चलो इसे जल्दी से दूध वगैरह पीते हैं। और वापस लगा दिए है, तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। जो सूख गए थे ना, तो वो मैंने निकाल दिए है और वापस लगा दिए, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके, तो ये लग जाए। 12 बज रहे हैं, तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है। चलिए अभी आज का व्लॉग हम लोग ख़त्म करते हैं, नए वाले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नए व्यूअर्स, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।